चलिए बात करते हैं कुछ शातिर अपराधी की, जिसने जुर्म की दुनिया में पिछले 10 सालों में ऐसा तहलका मचाया हुआ था कि प्रदेश की पुलिस भी उसके कारगुजारियों से परेशान थी। लेकिन इस बार शातिर पकड़ा गया। हालांकि पकड़ा तो वो पहले भी गया था, लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ पुलिस वालों को उसने खरीद लिया था और उनकी मिलीभगत, या यूं कहें कि उन्हें चकमा देकर रफू चक्कर हो गया था। दरअसल बीकानेर से जब वो लौट रहा था, उसी दौरान वो एक कार से फरार हो गया था और तब से ही वो पुलिस को चकमा दिए जा रहा था। लेकिन इस बार उसकी किस्मत दगा दे गई, क्योंकि यहाँ पुलिस के सितारे बुलंद थे। देखते हैं कोटा से। कोटा पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स वो शातिर बदमाश है, जिसने पिछले 10 सालों से पुलिस को सांसत में डाला हुआ था। इस शातिर का नाम भी आपको बता दें, इसका नाम है मांगीलाल बिश्नोई। पुलिसकर्मियों से दोस्ती करना इसका पुराना शगल रहा है और उसी दोस्ती की बदौलत वो पुलिस को चकमा भी देता रहा है, जैसा कि पिछले साल नवंबर में उसने किया था। दरअसल ये शातिर पेशे के दौरान जोधपुर पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद पुलिस से मिलीभगत कर फरार हो गया था और इसी मामले में 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन अब पुलिस के पास चुनौती थी इसे गिरफ्तार करने की, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। आपको बता दें कि प्रदेश की पुलिस ने इस मांगीलाल को इन 4 महीनों में कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन ये मिला कोटा में और वो भी पुलिस क्वार्टर में एक कांस्टेबल के घर से। कोटा पुलिस ने कुन्हाड़ी थाने के पुलिस क्वार्टर से आरोपी को धर दबोचा। हालांकि कोटा पुलिस के मुखिया ने अभी उस कांस्टेबल को सिर्फ जांच के दायरे में रखा है, जिसके घर से ये खूंखार अपराधी पकड़ा गया। मकान पुलिस के कांस्टेबल जो कुन्हाड़ी थाना में ही पोस्टिंग है उसी का था और उसमें ही इसको पकड़ा है। अब ये जांच का विषय है, वो किसके कहने से ठहरा या किसके रेफरेंस से ठहरा, इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं और जोधपुर पुलिस भी जल्दी ही आएगी और उनके चूंकि मुकदमा जो फरारी का है उसमें वो भी जांच करेंगे और इसमें किसी भी अगर संलिप्तता पाई गई तो पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि 3 कांस्टेबल इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, अगर किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई। मांगीलाल बिश्नोई अपराध जगत का वो नाम है जिसके चर्चे अब आम जन के साथ साथ प्रदेश के पुलिस महकमे भी हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भागा तो पुलिस की मदद से और पकड़ा गया तो भी पुलिस कांस्टेबल के घर से। दरअसल अपराधी मांगीलाल को पुलिस से दोस्ती करने की आदत थी और वही आदत अब उस पर भारी पड़ गई। अपराधी मांगीलाल कोटा में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से संपर्क कर कोटा पहुंचा और कुन्हाड़ी थाने में तैनात कांस्टेबल के घर पर स्टूडेंट बनकर रुका। उसी दौरान पुलिस के आला अधिकारियों को भनक लगी तो वो धरा गया। नवंबर 2015 को जोधपुर शहर में पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था और उसके बाद में ये लगातार फरारी काट रहा था। फरारी के दौरान ये नागौर, बीकानेर, हरियाणा और काफ़ी जगह छुपता फिरता हुआ कल जो कोटा पहुंचा था। हमें इसी स्रोत से मुखबिर से सूचना मिली थी इसके कोटा में होने की, तो कोटा में जब ये रात को सोया तो उस जगह हमने बहुत ही नियोजित ढंग से सभी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे, एडिशनल SP, CO, उनके नेतृत्व में टीम से रेड कराई और इसको धर दबोचा। मांगीलाल पर जोधपुर, चूरू, पाली और मंदसौर सहित कई शहरों में 20 से ज्यादा मादक पदार्थों की तस्करी, फायरिंग और हत्या जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं। मांगीलाल इतना शातिर है कि जोधपुर से फरार होने के बाद वह पुलिस से डरने की बजाय पुलिस कर्मियों से दोस्ती बढ़ाने लगा। शायद मांगीलाल को पता था कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहेगा, लेकिन कोटा पुलिस ने उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया।
आपको बता दें कि यहाँ एक चर्चा और है कि इस बार पुलिस ने अपनी प्लानिंग के तहत ही मांगीलाल को शिकंजे में लिया है। यहाँ मुखबिर असल में पुलिस के लिए काम कर रहा था, लेकिन मांगीलाल ने उसे अपना आदमी समझा। मांगीलाल को पहले एक होटल में लेकर गए, लेकिन वहाँ अपशकुन होने के बाद वो वहाँ नहीं रुका। पुलिस चाहती तो उसे वहाँ गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन फायरिंग से होने वाले नुकसान से पुलिस ने भी अपना इरादा बदल दिया, जिसके बाद वो कार में रुकना चाहता था, लेकिन पुलिस ने वहाँ भी उस पर हाथ डालना मुनासिब नहीं समझा। मुखबिर ने उसे एक ऐसे भरोसेमंद पुलिसकर्मी के क्वार्टर पर रुकने की सलाह दी जो उसके जिले का था, जिसके बाद रात को सोने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल अब इस मामले में सवाल तो कई हैं, लेकिन लगता है उनका जवाब आने में वक्त लगेगा। फर्स्ट इंडिया के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट।